हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व सीएम निशंक जी हैं, और ये उत्तराखंड के क्यों, उत्तर प्रदेश के भी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक ही रहे हैं कभी, और आज भी एक तरह से छोटे बड़े भाई की तरह ही रहते हैं। और निशंक जी का रिश्ता लखनऊ से काफ़ी है, यहाँ सत्ता के गलियारे में निशंक जी के बारे में तमाम चीज़ें हम लोगों को सुनने को मिलती हैं। आज हम बात करेंगे निशंक जी से। लखनऊ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के तमाम सरगर्मियां बढ़ गई हैं, और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर सत्ता पर काबिज हो सकेंगे? मुझे ही नहीं लगता है, बल्कि पूरे देश को, और चाहे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, हर गांव गांव के बच्चे को भी लगता है कि अगले प्रधानमंत्री मोदी जी ही होंगे, और लगने के पीछे कारण है। ये देश हमारा, पूरी दुनिया का यदि देखेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक देश है। हमारी आबादी यदि चीन को हटा दिया जाए तो लगभग पूरी दुनिया बराबर हम, इतनी बड़ी आबादी है। स्वाभाविक है कि देश बड़ा है, और उस बड़े देश की जो छवि रही है वो पूरी दुनिया विश्व गुरु की रही है। लेकिन पीछे का जो कालखंड आया उसने, आप जो पीछे की सरकारें आई उसने लोगों में निराशा पैदा की। कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जहां लोगों को लगा कि देश की गरिमा गिर रही है, देश का अर्थतंत्र गिर रहा है, देश का नियोजन खराब हो रहा है, देश के बारे में दुनिया के लोगों की सोचने का ढंग बदल ही नहीं रहा, बल्कि दुनिया इस देश को खराब तरीके से देख रही है। मोदी जी के आने के बाद जिस तरीके से विकास के दर में हमने चीन को पीछे छोड़ दिया, FDI के क्षेत्र में हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, विकास के दर में हम आज दुनिया में नंबर एक पर हो गए। FDI के क्षेत्र में कहाँ इस देश पर भरोसा करता था कोई, इस देश को तो गरीबों का देश, भिखारियों का देश, ऐसा पूरी दुनिया लगती थी जैसे गया गुजरा देश है, कोई निवेश करने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि लगता था ये तो डूबता हुआ देश है, और इस ढंग की छवि बन गई थी पूरी दुनिया में कि जैसे भ्रष्टाचारियों का देश है, अपाहिज देश, लंगड़ा देश, गरीबों का देश। जो भी जब भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कहीं जाता है तो उनको लगता है कि कुछ ना कुछ पैसे के लिए जा रहा होगा, कर्ज के लिए जा रहा होगा। इन चार साढ़े चार साल में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश को बेपट्टी से पटरी पर ला करके न केवल खड़ा किया, अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति के शौचालय की चिंता करने से लेकर, और दुनिया के शिखर दो देश चीन और अमेरिका के शीर्ष पर बैठना, ये शौचालय से अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति के शौचालय से लेकर के अमेरिका और चीन के शीर्ष पर बैठने की जो ये साढ़े चार वर्ष की यात्रा है, उसने आम जनता में मोदी जी के प्रति, मोदी जी की सरकार के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति न केवल आस्था को प्रकट किया है बल्कि भरोसे को भी पैदा किया है। लेकिन जैसे अभी जो चुनाव हुआ है, राज्यों के, पांच राज्यों के चुनाव हुए, तीन राज्य बीजेपी के पास जो थे वे चले गए, अगर मोदी जी से जनता का इतना लगाव है, मोदी पर इतना फेथ है लोगों को, बीजेपी पर अगर विश्वास है, तो क्या कारण रहा कि क्यों इस तरह से हार हुई राज्यों में? देखिए, खुद है 15-15 साल तक रहते हैं और ये लोकतंत्र है, और मोदी जी पर तो अभी भी भरोसा है, आप सर्वे कर लीजिए। लेकिन राज्यों की अपनी थोड़ा सा कुछ राजनीति होती है, 15 साल तक जब हम लोग सत्ता में रहते हैं सबके काम होते नहीं है, कार्यकर्ता में भी थोड़ा सा वो रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हम जीते नहीं लेकिन हम हारे भी नहीं हैं, हम जीते नहीं हैं लेकिन हम हारे भी नहीं हैं। अब देखिए ना, एक राज्य को हम केवल 38,000 वोट हमारा काम है, केवल 38,000, मध्य प्रदेश में 38,000 वोट काम है, और हम सरकार नहीं बना पाई, और वो भी 9-10 सीटें, तो हमारी जो है 100-150-200 हज़ार से हम हारे हैं, तो हम हारे नहीं हैं उस दृष्टि से,
हाँ एक राज्य में। और ये राजस्थान को आपने देखा, लोग कह रहे थे 25 से बढ़ेंगे नहीं, और अंतिम क्षण तक जो है पसीना आ गया था कांग्रेस को भी। यदि वहाँ भी हम बहुत कम 1.25 लाख मतों की उससे केवल, यदि टोटल में 1.25 लाख मत यदि हमको और मिल गया होता तो हम वहाँ सरकार बना रहे थे। हाँ हम जरूर छत्तीसगढ़ में हारे। और छत्तीसगढ़ का भी आप यदि इतिहास देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जब हम पहली बार सरकार बनाई थी तो 0.75% वोट हमको थोड़ा सा बढ़ करके मिला था तो हमें सरकार बना दी। जब दूसरी बार सरकार बनाई तो 1.5 1% 1.5% वोटों का अंतर था कांग्रेस में हम में। जब तीसरी बार सरकार बनाई तो 2.5%, तो 1-1.5% के ऊपर नीचे जा रहा था, आमने सामने थी हमेशा ही। तो ऐसी स्थिति में वहाँ ज़रूर इस समय कांग्रेस ने वो किया है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे, लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। क्या आप बताना चाहेंगे कि किन किन कारणों से बीजेपी को जनता, देश की जनता फिर से चुनेगी मोदी को? मोदी जी ने बेईमानी को रोका, जिस देश की छवि बहुत खराब हो गई थी। आज 4.5 साल हो गए, हमारी गवर्नमेंट पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये छोटी बात नहीं। जहाँ पूरे देश, पूरी दुनिया में मेरा देश बदनाम हो रहा था कि ये लोग तो भ्रष्टाचारी देश के हैं, हर दूसरे दिन बड़ा घोटाला होता था, तो पहली बात तो ये। दूसरे में विजन देखो ना आप, कहाँ से लेकर के कहाँ देश को ले गए। आज पूरी दुनिया, अमेरिका भी आपके पीछे आकर के खड़ा हो गया, चीन आपके साथ खड़ा हो गया, पाकिस्तान को अलग थलग देश घोषित कर दिया, आतंकवादी देश घोषित कर दिया, कोई उसके साथ आज खड़े होने को तैयार नहीं है। विकास की दर में मैं सोचता हूँ कि कहाँ होता था। आज यही उत्तर प्रदेश जहाँ हम बैठे हुए हैं, आज लखनऊ में आप देखिए ना कि जब से वो आए हैं तब से कितने हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं यहाँ आ रही हैं, 4 लेन 6 लेन सड़क से लेकर के, क्या पुलों से लेकर, जो विकास का मूल वो था। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से किया, मेरा उत्तराखंड में देश के आज़ादी के 50 साल में जितने NH नहीं बने, अकेले इतने NH राष्ट्रीय राजमार्ग बने। और कोई भी काम, 4 धाम महायोजना आपने देखा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की सैर करेगा, आज महसूस कर रहे हैं लोग। चाबी मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर होता तो जब मैंने पूछा, क्योंकि मैं अपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी का चेयरमैन भी हूँ, तो मैंने इनसे पूछा क्या स्थिति, जमीन आसमान का अंतर है। तो लोगों में गतिविधियाँ बढ़ी हैं, गतिविधियाँ तब बढ़ती हैं ना, और लोगों को भरोसा है कि गवर्नमेंट में जो गड़बड़ करेगा उसको ठीक ठाक कर देगी गवर्नमेंट। और गरीब के बारे में भी सुना सोचा तो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, स्टैंडअप, प्रधानमंत्री मुद्रा, ये फ्री गैस कनेक्शन, फ्री गरीब को जो है फ्री विद्युत कनेक्शन, 18,000 गांव देश के आज़ादी के बाद अंधेरे में थे उनको प्रकाश देना छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। तो हर क्षेत्र में काम हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, कहा जाता है कि जो देश की सत्ता पर जाने के लिए उत्तर प्रदेश से होकर के निकलना पड़ता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस ये सब मिल करके लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि इन लोगों से बीजेपी पार पा पाएगी? अब देखिए कितनी बड़ी ताकत बढ़ गई हमारी, कि सारे दल इकट्ठा हो रहे हैं, कैसे भी बीजेपी को रोको, बीजेपी को रोको, ये नरेंद्र मोदी को रोको। तो पहली बात तो ये सफलता हमारी, हमने सबको इकट्ठा करके एक तरफ खड़ा कर रखा है, और उसके बाद भी जनता ने कहा इकट्ठा हो, ये कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनवा जोड़ा, ये ज़्यादा दिनों तक आपने देखा, ज़्यादा दिनों तक नहीं, उनकी अपनी लड़ाइयाँ हैं, ना उनका विचार एक है और ना आचार एक है। आचार और विचार में भी भिन्नता है, तो किसी पद के लिए, कुर्सी के लिए, केवल बीजेपी को रोकने के लिए यदि वो आते भी हैं, ज़्यादा दिन तक दम नहीं है। लोगों लोग आज बहुत होशियार हो गए हैं, देश की जनता महसूस करती है कि कौन ठीक लोग हैं, कौन ठीक नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश में हम ताकत के साथ आएंगे,
जो लोग आज समझ रहे हैं कि ये बसपा का सपा का गठबंधन होगा, देख लिया लोगों ने, बसपा को भी देखा, सपा को भी देख, सपा को साफ होते हुए भी देखा है, और अब बीजेपी का भी शासन देख रहे हैं लोग। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। जब भी पटरी पर राज्य आ जाते हैं तो पटरी पर लाने के लिए भक्त तो लगता है। एक व्यक्तिगत सवाल कि जो पार्टी ने आपको मुख्यमंत्री बनाया और फिर आप अभी सांसद हैं, आप क्या अपेक्षा करते हैं कि अभी फिर से आपको जो मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया गया उसमें क्या कारण था, और आगे क्या चाहेंगे कि फिर से मुख्यमंत्री के लिए या फिर केंद्र की राजनीति क्या करना है? मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी ना मुख्यमंत्री बनना चाहा था, ना मैंने उत्तर प्रदेश में दो दो बार मैं कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, और कल्याण सिंह जी के साथ मैं पर्वतीय विकास मंत्री रहा हूँ, तब भी मेरी इच्छा नहीं थी कि मुझे मंत्री बना दो। मैं राम प्रकाश जी के साथ उत्तर प्रदेश का संस्कृत मंत्री रहा हूँ, तब भी मेरा मन नहीं था। जब राज्य बना तो मेरे पास 14-14 कैबिनेट विभाग थे, पहला वित्त मंत्री, पहला नियोजन मंत्री मैं था, लेकिन मैंने कभी मांग नहीं की कि मुझे कुछ मंत्री पद चाहिए। मुझे मुख्यमंत्री बना दिया, तब भी मैंने कहा नहीं कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो। मेरे मुझे मुख्यमंत्री पद से हटा करके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, तब भी मैंने चाहा नहीं। मैंने पार्टी को ये ज़रूर कहा कि मैंने अपना समय पार्टी के लिए दिया है, मेरी पार्टी जहाँ मेरा उपयोग करना चाहे कर सकती है, मुझे कहे कि कार्यालय में बैठ कर के काम करना ओके, क्योंकि मैंने समय दिया है पार्टी को, तो ये काम पार्टी का है कि वो मुझसे क्या काम लेना चाहती है। जहाँ तक रहा, जब पार्टी जितना काम लेगी, जो मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मैं मूलतः तो लेखन से जुड़ा हूँ, मैं कविता से जुड़ा हूँ, मैं कहानी से जुड़ा हूँ, मैं उपन्यास से जुड़ा हूँ, और इसलिए वो भी मेरा मिशन है, वो मेरा जीवन है। ये राजनीति तो मेरा एक मिशन है पार्टी के विचार को प्रतिपादित करने के लिए, और जो लेखन है वो मेरा जीवन है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी मैंने उस जीवन को नहीं छोड़ा, मेरे तभी उपन्यास आते रहे, मेरे कहानी संग्रह आते रहे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज मॉरीशस हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, त्रिनाद हो, थाईलैंड हो, जापान हो, युगांडा हो, दुबई हो, फ्रांस हो, पोलैंड हो, बहुत सारे यूक्रेन हो, बहुत सारे देशों में मेरी रचनाएं पढ़ाई जाती हैं, और मेरा एक परिवार, मैंने दुनिया में एक खूबसूरत हिंदी का परिवार तैयार किया है, और कुछ पाठकों का तैयार किया है, जिसमें हम अपनी विचारधारा को लेकर के जो भारत की संस्कृति, जो सारे विश्व में जिसने सर्वभवंतु सुखिनः की बात की है और जिसने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, उस विचार को लेकर के हम बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया हमको स्वीकार रही है। ईटीवी से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ निसंग जी थे, जिन्होंने बहुत बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, और उन्होंने बताया कि पूरा विश्वास है उन्हें कि एक बार फिर से प्रदेश में मोदी सरकार आएगी, और ये लोग भी लग करके मोदी सरकार को लाने के लिए जुट करके, पूरी जनता पर भी विश्वास है कि सरकार एक बार फिर से बनेगी। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ईटीवी।